भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा और रानियां हुए जिनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती है। आज हम ऐसे ही दो वीरों की गाथा सुनेंगे जिनके पराक्रम और शौर्य को देखकर शत-शत नमन करने का मन करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में रखे बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर आला और उद्दल, जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है और इतिहास के वीरों में इन दोनों का नाम भी आता है। आला उद्दल दोनों भाई थे और दोनों ही भाई भौतिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान में उत्तीर्ण थे। कहा जाता है कि ये दोनों पांडवों में से युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे। आला देवी माँ के भक्त थे और बचपन से ही उनकी पूजा करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। दोनों ही भाई बचपन से युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी थी, जिसमें वे सारे जीते थे। इन दोनों भाइयों का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ था। आला उद्दल की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान और आला उद्दल के मध्य भयानक युद्ध हुआ, जिसमें उद्दल की हत्या कर दी गई। आला ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, परंतु उनका वध नहीं किया, क्योंकि वे देवी माँ के भक्त थे। यह युद्ध उनका आखिरी युद्ध था। इसके बाद उन्होंने संन्यास लेकर देवी माँ की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि आज भी बुंदेलखंड के माँ के मंदिर में आला के होने का एहसास होता है। वहाँ के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि रात्रि में आला आकर देवी माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था। तो दोस्तों, ये थी आला उद्दल की जिंदगी के कुछ पल जिन्हें हमने आप तक पहुँचाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।